हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है हमारा प्रोटोजोआ एंड सेकंड है हमारा मेटाजोआ। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी जो टर्म है ये सबसे पहले दिया था लैमार्क और ट्रेवरनस ने। ठीक है, इसके अलावा फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तू को कहते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी भी किसे कहते हैं? अरस्तू को कहते हैं। जबकि बॉटनी, जिसे हम लोग जानते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स के नाम से, उनके पिता हैं थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटोरम में स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया है, प्लांट्स के बारे में बताया है। फिर हमने पढ़ा था कि जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। इन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर दो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक तो होता है प्लांट एंड दूसरा होता है हमारा एनिमल। इसके अलावा जीवों का जो द्विनाम पद्धति है वो भी किसने दिया था? वह भी दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। फिर आता है हमारा कि 5 किंगडम जो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यह दिया था RH विटकर ने। इन्होंने बताया कि जीव 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मोनेरा, दूसरा होता है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा होता है हमारा कवक, फिर होता है हमारा पादप एंड लास्ट में होता है हमारा जंतु। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी माइकोप्लाज्मा गैलोसिप्टम, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो ये सभी हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा था। अब हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, पहला तो हमारा प्रोटोजोआ एंड दूसरा हमारा मेटाजोआ। ठीक है, पहला क्या हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन से जीव आते हैं? जो कि एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, प्रोटोजोआ मतलब कोई भी जीव जो एक ही कोशिका से बना हो, ठीक, उसमें और भी कोशिकाएं ना हो। मनुष्य क्या है? मनुष्य बहुकोशिकीय है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि अनेक कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है, और ऊतकों के मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है। तो मनुष्य कौन सी श्रेणी में आएगा? हमारा बहुकोशिकीय की श्रेणी में आएगा। प्रोटोजोआ में क्या है कि यह एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इनको संघ समूहों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ को एक संघ समूह में, और अगर हम लोग बात करें मेटाजोआ को तो मेटाजोआ को 9 संघ समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जैसे हो गया हमारा पोरीफेरा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, आर्थोपोडा, एनिलिडा, इकाई डर्मेटा, प्लेंटी हेलमचीर, उसके बाद है 9वां हमारा संघ कार्डेटा। अब इनमें भी हमारे 2 प्रकार हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीवों में 2 प्रकार के भागों में इनको बांटा गया है। एक जो कि कशेरुकी होते हैं, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी का क्या मतलब होता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाए, जैसे कि मनुष्य हो गया, शेर हो गया, हिरण हो गया, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दूसरा होता है हमारा अकशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाती हो। ठीक है, तो इनको तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था? गोल्डफर्श ने किया था। प्रोटोजोआ का प्रयोग किसने किया था? गोल्डफर्श ने किया था प्रोटोजोआ का प्रयोग। अब अगर हम लोग प्रोटोजोआ को, अगर इसको हम लोग देखें कि अलग अलग इसको विभाजित करें, तो इसमें आपको दिखेगा प्रोटो और जोआ। ठीक है, जॉन, तो प्रोटो मतलब क्या होता है? प्रोटो मतलब होता है प्रथम, जॉन मतलब होता है जंतु। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारा क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया है? पृथ्वी पर सबसे पहले आया है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव पृथ्वी पर पहले आए हैं। हम लोग पढ़ते हैं तो हम कई जगहों पर पढ़ते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव आए हैं। वहाँ साइंस इनको प्रूव भी करता है कि प्रोटोजोआ थे, वो पृथ्वी के सबसे पहले जीव थे। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रोटोजोआ के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनमें
शरीर, इनके शरीर में ऊतक या अंग नहीं होता है। रीज़न मैंने बता दिया है कि ये एक कोशिकी होते हैं, जिस वजह से ना तो जब बहु कोशिकी होंगे तब तो कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनेगा और ऊतकों के मिलने से क्या बनेगा, अंग। ऐसा ये भी मत कंफर्म मानिएगा कि बहु कोशिकी सभी जीव जो होते हैं उनके ऊतक या अंग होते हैं। आगे हम लोग फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके शरीर में ऊतक या अंग नहीं होते हैं। अगला है कि ये सांस कहाँ से लेते हैं। तब ये सांस लेते हैं अपने शरीर की बाहरी सतह से, जिसके माध्यम से ये श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। जैसे हमारे रोम छिद्र जहाँ से पसीना निकलता है, तो उसी तरह इनका शरीर भी इसी तरह का होता है, जिसमें सांस लेने के लिए इन्हें अंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने शरीर की बाहरी सतह से ही श्वसन भी कर सकते हैं और उत्सर्जन भी कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग साइंस के एक वर्ड में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, विसरण। प्रोटोजोआ श्वसन और उत्सर्जन किस प्रकार करते हैं, विसरण के द्वारा करते हैं। पर्टिकुलर वर्ड साइंस में क्या है, विसरण। ठीक, बात आती है कि प्रोटोजोआ रहते कहाँ हैं। तो प्रोटोजोआ रहते हैं हमारा पानी में। कहाँ रहते हैं, पानी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं प्रोटोजोआ। यह तीन प्रकार के होते हैं, पहला तो स्वतंत्र जीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा हमारा मृतोपजीवी। ठीक है, क्या ये गति करते हैं, गति हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं इसको प्रचलन। ठीक है, गति नहीं कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, प्रचलन। तो हाँ, ये प्रचलन करते हैं किसके माध्यम से, इनके कूटपाद और रोमाप जो होते हैं उनके माध्यम से। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कूटपाद और रोमाप होते क्या हैं। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो आते हैं प्रोटोजोआ की श्रेणी में। तो देखिए, सबसे पहले आपने बचपन से ही सुना होगा अमीबा के बारे में। अमीबा किस श्रेणी में आता है, प्रोटोजोआ की श्रेणी में। पूछता है कि अमीबा क्या है, तो अमीबा प्रोटोजोआ है। पाया कहाँ पे जाता है अमीबा, तो अमीबा पाया जाता है तालाब, पोखरा, नदियों के स्थिर और मीठे जल के कीचड़ में। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, तीन चीज़ें तो हैं हमारा, तालाब, पोखरा, नहरें, नदियाँ, इनका जल जिनका जहाँ पे स्थिर हो और मीठा हो उसके कीचड़ में पाए जाते हैं अमीबा। आकार की बात करें तो एक कोशिकी होने के कारण इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित होता है। यहाँ पे आप देख लेंगे कभी अमीबा इस आकार में है तो कभी पता चला इस आकार में आ गई। ठीक, तो आकार कैसा होता है, आकार अनिश्चित होता है। अमीबा की अगर हम लोग बात करें तो जो बाह्य परत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मलेमा। ठीक है, प्लाज्मलेमा। इसके बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। ये जब ऐसे ऐसे मूव करते हैं, यहाँ पे बिंदी आपको दिख रहा है, तो इनसे क्या है, छोटी छोटी रचनाएं बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती, जिसे क्या कहते हैं, कूटपाद या पादाप। मैंने ऊपर आपको बताया था कूटपादों से ये क्या करते हैं, प्रचलन। इनमें गति होती है लेकिन हम उसको गति नहीं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं, आकार बदलने के कारण ये जो थोड़ा सा मूव होते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रचलन। ठीक है, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का वो है युगलीना। युगलीना को ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। युगलीना को क्या कहते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ। ये कहाँ पे पाया जाता है, तालाबों के स्वच्छ जल में। याद रखिएगा अमीबा क्या है, अमीबा स्थिर जल हो, मीठा जल हो और कीचड़ नुमा हो, लेकिन युगलीना कहाँ पे पाया जाएगा, तालाब के स्वच्छ जल में। आप देखते होंगे बहुत सी जगहों पर तालाब ऐसे होते हैं जहाँ ऊपर ऊपर एक हरी परत बन जाती है। इसको आप लोग काई से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि काई अगर कहीं लगती है तो उसके लिए सतह की ज़रूरत होती है। ठीक है, और लंबे समय तक पानी वहाँ स्थिर रहे तब यहाँ पे काई लगती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर युगलीना की, तो युगलीना क्या है, जल के ऊपर हरे रंग की परत, तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंट अमीबा के बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये क्या होता है, तो यह पाया जाता है मनुष्य की बड़ी आंत में। एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पे पाया जाता है, मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। यह एक हानिकारक परजीवी है जिसकी वजह से पेचिस रोग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पेचिस रोग हो जाता है, जिसमें जिसकी वजह से पेट में ऐठन होने लगती है, मरोड़ होने लगता है। ये क्या करते हैं, जो वॉल होता है जिसे हम लोग जानते हैं स्लेस्मा के नाम से, उस पर घाव कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पेचिस रोग हो जाता है, जिसे हम लोग डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। फिर हमारा कि ट्रिपनोसोम गैबियंस, ठीक है, ट्रिपनोसोम गैबियंस, इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस। इसकी वाहक कौन है, वाहक देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी वाहक होती है सीसी मक्खी। इसकी वाहक कौन है, सीसी मक्खी इसकी वाहक है।
फिर हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम कहाँ पे पाया जाता है? ऐसे पानी, ऐसे जगह पे पानी जहाँ तालाब और पोखरों में जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो। पैरामीशियम जो है या पानी में पाया जाता है ऐसे तालाब और पोखरे जहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो वहाँ पे पाया जाता है पैरामीशियम। और अगर हम लोग बात करें कि ये अपना प्रचलन कैसे करते हैं तो पक्षमाभिकाओं के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? पक्षमाभिकाओं के द्वारा ये अपना प्रचलन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मोडियम। इसमें अगर आपने सुना होगा तो तीन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा, एक तो हमारा हो गया यूग्लिना, दूसरा हो गया अमीबा एंड तीसरा होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम देखिए हर व्यक्ति जानता है इसके बारे में, क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही मलेरिया रोग होता है। और ये कहाँ पे पनपते हैं? एक तो मादा एनाफ्लीज मच्छर में पनपते हैं और दूसरा मनुष्य के शरीर में। ठीक, इसकी वाहक कौन है? इसकी वाहक होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। प्लाज्मोडियम की वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ये भी क्या है? यह भी प्रोटोजोआ है। अब प्लाज्मोडियम परजीवी किसको प्रभावित करता है? तो सबसे पहले जाते ही ये हमारे शरीर में आरबीसी को प्रभावित करता है और लीवर को प्रभावित करता है। किसको? किसको? आरबीसी को और लीवर को प्रभावित करता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पहले हम लोग कुनैन और सिंकोना की छाल से इसको कंट्रोल करते थे, लेकिन अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2019 को इसके लिए वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम है RTS-S। इसको लॉन्च किया गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मलेरिया से प्रभावित रहते हैं हमेशा, जहाँ पे बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ और सिर्फ मलेरिया की वजह से, मलावी में। मलावी कहाँ पड़ता है? हमारा अफ्रीका में। अब जो यह वैक्सीन है यह 5 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी। वहाँ पर टेस्ट भी हो चुका है दे करके कि क्या बच्चों में मलेरिया फैलता है, तो बिल्कुल नहीं फैल रहा था इस वैक्सीन के बाद से। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि मलेरिया की वजह से कई लोगों की मौत होती थी हर साल। करीब मात्र अफ्रीका में ही 2 से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोटोजोआ का सीधा सा मतलब क्या है। हमारा एक कोशिकीय हो गया। ठीक है, फिर हम लोग सीधे से आ जाते हैं हम लोग अपना किस में आते हैं, हम लोग अमीबा में। अमीबा की अगर हम लोग बात करें तो अमीबा कहाँ पे पाया जाता है? अमीबा हमारा पाया जाता है ये जो स्वच्छ जल होता है, कीचड़ नुमा जल होता है उसमें पाया जाता है अमीबा। यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक, उसके बाद एंड अमीबा के कारण क्या होता है? पेचिस रोग होता है। ट्रिप्नोसोम गैबियंस के कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है। पैरामीशियम जो है ये तालाब में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ अधिक हो। इसके अलावा लास्ट था हमारा प्लाज्मोडियम परजीवी जो कि मलेरिया का वाहक होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।